वक्त आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन अब भी लगातार जारी है। बुधवार को केंद्र ने कृषि कानून में सुधार यानी कि संशोधन के संबंध में किसान को प्रस्ताव भेजा, जिसमें किसान के आपत्तियों पर सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो कानून की वापसी ही चाहते हैं। हालांकि किसान की तरफ से जो MSP और APMC मंडी को खत्म होने को लेकर चिंता थी, उस पर सरकार लिखित आश्वासन के साथ ही कानून में और भी संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान को इस संशोधन से कोई भी फायदा होते नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अब उन्होंने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। 12 दिसंबर को किसान टोल प्लाजा बंद करवाएंगे और लोगों के लिए मुफ्त कर देंगे उसे। साथ ही अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो 14 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसके तहत दिल्ली में आने वाले सारे मार्ग को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग जगहों के किसानों को अलग अलग तरह से देशव्यापी आंदोलन करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर भारत के किसान भी 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के प्रस्ताव का किसान पर कोई असर नहीं दिखा। किसानों को सरकार के प्रस्ताव पूरी तरह से नामंजूर हैं, वो उसे अपना अपमान समझते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर बातचीत के लिए प्रस्ताव आता है तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ABN।